मेरा नाम है दिशा रायका और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। जब श्री कृष्ण बलराम और अक्रूर जी मथुरा में प्रवेश कर दे, तो जब श्री कृष्ण बलराम जी और अक्रूर जी मथुरा के लिए निकले तो जो बीच में यमुना नदी आती है उसमें श्री अक्रूर जी को स्नान करना था। तो रथ से श्री अक्रूर जी नीचे उतरे और यमुना नदी में गए। जब यमुना नदी में वो स्नान कर रहे थे तब उन्होंने कुछ अद्भुत सा रूप देखा। वो अद्भुत सा रूप देखे उनका जो वो चकित मन से यमुना नदी के बाहर आए और रथ पे लौट गए। और श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि अक्रूर आपने नदी में ऐसा क्या देखा, तो बोलते ये संसार की सारी खूबसूरती आप ही हो। तो ऐसी बातचीत करते करते वो मथुरा की ओर जाते हैं। जब वो मथुरा में प्रवेश करते हैं तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम यहीं विश्राम करेंगे और अक्रूर तुम मथुरा में अपने घर जाइए और विश्राम करिए। तो अक्रूर कहते हैं कि मेरा मन नहीं है आपको छोड़ के जाने का, आपके चरण कमल इतने पवित्र है कि आप अगर मेरे घर आएंगे तो मेरा घर भी पूरा पवित्र हो जाएगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके घर कभी और आऊँगा और मैं यहीं विश्राम करूँगा। तो अक्रूर चले जाते हैं अपने घर और श्री कृष्ण वहीं विश्राम करते। जब शाम होती है तो श्री कृष्ण मथुरा में जब प्रवेश करते हैं तो सारी मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई थी और बहुत ही लोग जो मथुरा के लोग थे वो बहुत ही खुश थे। और मथुरा की जो महिलाएं थी वो श्री कृष्ण को देखने के लिए बहुत ही आतुर हो गई थी। और जो महिलाएं थी मथुरा की वो सारा अपना आधा काम छोड़ के श्री कृष्ण को देखने के लिए छत पे चढ़ गई। तो कोई महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही थी वो अपना काम आधा छोड़ के श्री कृष्ण को मिलने आ गई। जो महिलाएं अपना श्रृंगार कर रही थी वो अपना आधा श्रृंगार छोड़ के श्री कृष्ण को मिलने आ गई। जो महिलाएं खाना खा रही थी वो अपना आधा खाना छोड़ के श्री कृष्ण को मिलने आ गई। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे श्री कृष्ण भगवान तो उन्होंने एक हाथी को देखा और वो हाथी से सोचने लग गए कि महिलाओं के लिए कुछ मनोरंजन किया जाए। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहीं श्री कृष्ण एक धोबी को मिलते हैं। धोबी एक कंस का अच्छा नौकर होता है। तो वो धोबी को देखते हैं और धोबी को बोलते हैं कि दो सुंदर अच्छे कपड़े दो और हमें पहनने के लिए। तो वो धोबी बोलते हैं कि तुम जंगल में फिरने वाले तुम्हें ये कपड़े शोभा नहीं देता, ऐसे गुस्से से बोलता है। तो ये बात सुन के श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपनी ये जो उंगली से उन्हें ऐसे करके नीचे गिरा दिया। तो जो धोबी का जो असिस्टेंट था तो वो अपना सारे कपड़े गिरा के भाग गया और उसमें जो गिरे हुए कपड़े थे वो श्री कृष्ण भगवान ने उसमें से दो ले लिए और उसमें से दो जो अच्छे कपड़े थे वो आप खुद ने श्री कृष्ण भगवान ने और बलराम ने पहन लिए और जो बाकी कपड़े थे वो सब उनके दोस्तों को दे दिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान श्री मथुरा नगरी में घूमते। आगे जाने के बाद उधर एक टेलर होता है, दर्जी होता है, जो कि कृष्ण भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। तो उन्होंने वो जो दो सुंदर कपड़े थे उन्होंने और कुछ कपड़े सी के बहुत ही सुंदर कपड़ा बना दिया और श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। और श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम इस जन्म में आपको सारा सुख प्राप्त होगा और अगले जन्म जब आपकी अगले जन्म में भी आपको सारा सुख प्राप्त होगा और जब आपकी मृत्यु होगी तो आप मेरे धाम आओगे। तो वो आगे जाते हैं तो एक सुदामा के घर जाते हैं। सुदामा जो हार बनाते हैं फूलों से काम करते हैं, तो उन्होंने फूलों की एक सुंदर सी माला श्री कृष्ण को पहनाई और यही हमारी कहानी संपन्न होती है। हरे कृष्णा।